सुदूरवर्ती गांव घेस में चौपाल लगाकर जिलाधिकारी ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। चमोली जिले के सबसे दुरस्त गांव घेस, जहां के बारे में कहावत प्रचलित है, घेस के आगे नहीं कोई देश। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने घेस गांव का भ्रमण करते हुए स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। घेस गांव जिला मुख्यालय से 145 किलोमीटर की दूरी पर त्रिशूली पर्वत की तलहटी पर देवाल ब्लॉक का सबसे सीमांतवर्ती गांव है, जहां पर जिलाधिकारी के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों तथा मांगलिक गीतों के साथ जिलाधिकारी का भव्य स्वागत किया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से वार्ता करते हुए इस क्षेत्र में औषधीय जड़ी बूटी का उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी रूप से व्यावसायिक खेती का मॉडल विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने जड़ी बूटी उत्पादन और विपणन की सुविधा को सरल बनाने को लेकर गहनता से चर्चा करते हुए किसानों से सुझाव भी लिए। इस दौरान उन्होंने खेतों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों द्वारा उत्पादित कुटकी, अतीस, मीठा, जटामासी, सतवा, चिरायता, चोरू, बनवासी जड़ी बूटियों का निरीक्षण किया। घेस गांव की सुंदर प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हर्बल घेस गांव अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने युवाओं को होम स्टे के संचालन हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि यहां पर मखमली, बग्जी बुग्याल और घेस नागार सेरीगार ट्रैक स्थित है, जिससे यहां पर पर्यटन की अपार संभावना है। जिलाधिकारी ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से सड़क, बिजली, पानी, भूमि का मुआवजा न मिलने, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बिजली के झूलते हुए तारों की समस्याएं, 108 वाहन की व्यवस्था न होने, आंगनवाड़ी केंद्र खोलने सहित जन समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए घेस गांव में पर्यटन आवास गृह और पंचायत घर निर्माण की मांग की। इस मौके पर प्रधान कलावती देवी, DFO सर्वेश्वर दुबे, SDM रविंद्र जौठा, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी VP मौर्य, पर्यटन अधिकारी SS राणा, तहसीलदार प्रदीप नेगी, आपदा प्रबंधन अधिकारी NK जोशी सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। हमारी पूरी टीम द्वारा घेस जो हर्बल विलेज भी घोषित हुआ है, उसका निरीक्षण किया। यहाँ पर निश्चित रूप से कुटकी का उत्पादन किया जा रहा है और हर्बल एरोमेटिक प्लांट्स के कल्टीवेशन में अग्रणी भूमिका निभाई है पूरे राज्य में। इसके बाद जो स्थानीय लोग हैं और आसपास के गांववासी हैं, उनके साथ एक बैठक भी की है। उनके द्वारा जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी है, बिजली है, शिक्षा से संबंधित समस्याएं उठाई गई और अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया है। और जो ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कोई बजट एलोकेशन की आवश्यकता है, तो उसको शासन स्तर पे या विभाग स्तर पे फॉलोअप करके कराया जाएगा। इसके बाद जो 2022 में एक ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जो घेस बुग्याल बागची बुग्याल ट्रैक है, उसका भी निरीक्षण अभी किया जाएगा। उसमें पर्यटन विभाग और वन विभाग के साथ साथ सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो भी उसके में उस ट्रैक को इम्प्रूव करने के लिए, पर्यटकों के लिए और अच्छा बनाने के लिए जो भी आवश्यकता है, तो उस पर का उस पर मिशन बोर्ड में कार्य किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जा सके।